क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, नीला सलाम, जय संविधान, भीम सेना जिंदाबाद। स्वाभिमान, आत्मसम्मान ये सदियों से खोया जाता रहा है हमारा। भारत में देश में संविधान लागू हो गया, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान लागू कर दिया। ये अकेले बाबा साहब की मेहनत नहीं, ये मान्यवर साहब काशीराम जी जो आज हमारे बीच में आए, ये बाबा साहब की मेहनत थी। जो महात्मा ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, साहू जी महाराज, पेरियार स्वामी जी, गुरु कबीरदास जी, गुरु रविदास जी, ये उनकी मेहनत थी कि हमें हमारे देश को संविधान मिला और हमें बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी मिले, मान्यवर साहब काशीराम जी मिले। आज हमारा सम्मान, आत्मसम्मान, आज हमारा स्वाभिमान एक फिल्म के माध्यम से रौंदा जा रहा है, लेकिन लोग देखकर भी चुप हैं। ट्रेलर देख रहे हैं, ट्रेलर, फिल्म आ जाएगी, फिल्म भी देखेंगे। दुनिया में ना, दुनिया में दलित कई प्रकार के होते हैं और ये प्रजातियां जो है ना वो लगातार घटती और बढ़ती रहती हैं। जैसे पारा नहीं देखा आपने, पारा घटता है, बढ़ता है, घटता है और बढ़ता है, ऐसे ये प्रजातियां जो है ना ये घटती और बढ़ती रहती हैं। बताऊं कैसे? ट्रेलर देखना, इसके बाद में ट्रेलर दिखाऊंगा आपको। पहले मैं दो बातें बता दूं आपको, ये प्रजातियां घटती बढ़ती कैसे हैं। अरे नहीं, ये तो हमारी बहन जी के ऊपर किया गया कटाक्ष नहीं है। अरे यार, उन्होंने तो बहुत पहले लिख दिया है लाइन में कि फिल्म के सभी पात्र काल्पनिक हैं, व्यक्ति विशेष से कोई संबंध नहीं है। अरे तुम पिछवाड़े पे छेद कर दो और कह दो हवा आती जाती रहेगी, खिड़की खुलनी है। इज्जत का उतार के तार तार कर दिया और फिर कहते हैं अरे भैया हमें तो दवाई लगाई गई है। ये कैसा दलित भाई, ये कैसी कौम, ये कैसा स्वाभिमान, ये कैसा सम्मान। ऐसे है बहुत से लोग हैं जो मैं कल रात से देख रहा हूं, ये कह रहे हैं बहन जी मैं फिल्म नहीं बनाई गई है, मैडम चीफ मिनिस्टर की बात कर रहा हूं, मैडम चीफ मिनिस्टर फिल्म बनाई गई है। पूरे तरीके से बहन जी के कार्यकाल को, बहन जी के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को, बहन जी के जीवन चरित्र को उठा करके इसमें दिखाया गया है। इसके बाद बताऊंगा, पहले मैं ट्रेलर दिखा दूं। और जितने साथी जुड़ रहे हैं ना भाई, शेयर कर दो। कड़वा हूं बेशक से, लेकिन मीठी बात भी मैं ही करूंगा, कड़वी भी मैं ही करूंगा। बितरले में लागती हो ना तो शेयर करियो, बितरले में लागती हो, आवाज उठाना चाहते हो। नहीं तो बहुत सारे लोग तो ये कहेंगे, मैंने बताया ना पहले, कई तरह की प्रजातियां हैं देश के अंदर, अलग अलग तरीके से फॉलो अप करते हैं, चश्मा लगाएंगे, देखेंगे ऐसे ऊपर नीचे और फिर कहेंगे अरे नहीं यार ये तो हमारी बहन जी के ऊपर नहीं है। मैं बताऊंगा बहन जी पे कैसे है। हत्या करके ये कह दो कि जानबूझकर नहीं मारा, दिखा दो फिल्म काल्पनिक है। अरे मूर्ख मेरे समाज के लोगों, बोले लोगों, फिल्म तो काल्पनिक ही होती है और उसमें सारे पात्र काल्पनिक ही होते हैं, लेकिन जो उसमें दिखाया जाता है ना वो चित्रण किया जाता है, चित्रण, फिल्म का चित्रण लगी हो ना अंदर। अगर बहन जी के सम्मान की बात, और बहुत सारे ऐसे कहेंगे अरे मैं तो बसपा वाला नहीं हूं भाई, मैं नहीं हूं बसपा वाला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहन जी आदर्श नेता है हमारी, आदर्श है बहन जी, सम्मान है, स्वाभिमान है, पार्टी गई तेल लेने कोई भी हो, कोई बीजेपी में दलित हो, कांग्रेस में दलित हो, या फलाना ढिकड़ा किसी भी पार्टी में हो, पार्टी गई तेल लेन। भाई सीधी बात करता हूं, खुली करता हूं, कड़वी करता हूं, अंदर लगे ना लगे तो इस स्वाभिमान की रक्षा करो। वो बहन है हमारी, वो बहन है हमारी, और उसको क्या दिखाया जा रहा है, देखो आप दिखाऊं, मैं आपको दिखाऊं, मैं उसके बाद बताना। ये फिल्म बहन जी पे नहीं है, पूरे तरह से काल्पनिक है। और बहुत सारे दलित तो ये भी कहेंगे, जो रिचा चड्डा इसकी हीरोइन है ना, वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी की टी शर्ट पहने हुए उसके फोटो वायरल हो रहे हैं। और बहुत सारे हमारे समाज के, दलित समाज के, हुक्मरान समाज के मूल निवासी ये कह रहे हैं रिचा चड्डा तो अंबेडकरवादी है। ओहो,
बाबा साहब की टी शर्ट पहन ली, रीचा चड्डा तो अम्बेडकर वादी है। बेटे वाह वाह, लगा दे मुखौटा, बाबा साहब का एक पुतला बनाओ, उसमें संविधान की जगह झाड़ू पकड़ा दो और फिर उस पे मारो जूते और फिर कहो ये पुतला तो काल्पनिक है, ये पुतला तो काल्पनिक है, इज्जत लूट ली गई पता भी नहीं चला, इज्जत लूट ली गई पता भी नहीं चला। और कई बसपाई भी ऐसे हैं जो कहेंगे अरे नहीं यार ये तो बहन जी का अपमान तो नहीं है, बहन जी का अपमान ही नहीं तो किसका अपमान है, ये अपमान किसका है अगर बहन जी का नहीं है तो। सुन लो भाई, सारे भाई सुन लो और शेयर कर दियो, बितरले में लागियो हुक्मरान समाज, दलित समाज, मूल निवासी, सम्राट अशोक के वंशज, बड़ी बड़ी बातें करने वाले बहुत मिल जाएंगे और ये भी कहेंगे अपनी सरकार बना लो बहन जी को प्रधानमंत्री।